आ जाइए। अरे देसी मसाला फैमिली रेस्टोरेंट, ये फर्स्ट टाइम आए हम लोग, बहुत हैं सराय के पास, टोल टैक्स के पास। हाँ जी, एक्चुअली मैं बता दूं कि आपको अगर आप हाजीपुर से आ रहे हो तो टोल के बाद आना पड़ेगा आपको, अगर आप मुजफ्फरपुर से आ रहे हो तो एक्चुअली सबसे पहले आप मटन हांडी। हाँ जी, सबसे पहले छोटी पार्टी है, छोटी मोटी पार्टी। आप यहाँ सबसे पहले स्वागत है आपका, सबसे पहले वन टू नाउ पे जुड़े हुए हैं और अभी हमारे बीच जो चेहरे हैं निकल जाएंगे। ठीक है, सो खाना पीना हो चुका है और अभी बारी है मसाला कोल्ड ड्रिंक्स का। मुझे लग रहा है मसाला कोल्ड ड्रिंक्स हम पहली बार ट्राई। हे गाइस, तो ये रहा हमारा कार्ट जो मैंने आपको बताया था कि आपको हम दिखाने वाले हैं। तो ये हमारा जो कपड़े का दुकान है ना, ये ओपन होने वाला है। इस पर सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, मैं जूम करके आप दिखाता हूँ कब ओपनिंग होने वाला है, कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे आ सकते हो, आप लोगों का वेलकम है। हे फैमिली, तो शाम के 7 बज रहे हैं और हम सभी लोग रेडी हो चुके हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ, पीछे आप देख सकते हैं पति देव भी रेडी हो चुके हैं एकदम फुल तैयार, और इधर शिवांश भी रेडी हो चुका है, मम्मी भी रेडी है। नीचे नीचे चलती हूँ तो मम्मी को दिखाती हूँ कि मम्मी कैसी लग रही है। बाकी स्पेशल जगह कहाँ घूमने अभी चलोगे? आप ही चलोगे? मम्मी तो आपकी नहीं जाना है देखिए। मम्मी कहती नहीं बेटू को, नहीं बेटू तो कल ही घूम के आया है नानी के यहाँ से, इतना सारा कहाँ कहाँ घूमने क्या था, तो बेटू को नहीं जाने देंगे, तब क्या करेंगे? चुपके से ले चलिए। अच्छा ये बताइए कि आप नानी के यहाँ घूमने गए थे और कहाँ कहाँ घूमने गए थे? मंदिर भी कहीं घूमने गए थे, हम देखे थे आपको। मेरी तो नाना जी बहुत घुमा देते अपने बाइक पर। तो ये बताइए कि आप मम्मा को क्यों नहीं लेके गए थे? मैं मम्मा को लेके गया था। तो मुझे नहीं लेके गए थे ना आप? कल से लेके जाऊंगा। अच्छा कल से लेके जाओगे, अभी लेकिन हम पूरी फैमिली जा रहे हैं डिनर पे। और अभी थोड़ी देर पहले पूरा रूम की सफाई की है मैंने, और इन दोनों बच्चों ने मिलके पूरा रूम फैलाया हुआ था अभी पूरा, मतलब उस पे खिलौना, नीचे खिलौना, सारा जगह खिलौने ही खिलौने भरे हुए थे। हे गाइस, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अभी सराय, और आज हम जाने वाले हैं एक रेस्टोरेंट में रात का, नाइट का डिनर करने के लिए। रहा देसी मसाला रेस्टोरेंट, तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ जाने वाले हैं। काफी दिनों से प्रोग्राम था हमारा यहाँ आने का, चलिए हम आ चुके हैं देसी मसाला रेस्टोरेंट, एंड ये है सराय रोड में, और ये आपको टोल के पहले पड़ता है। हाजीपुर से जब आओगे तो टोल पार करना पड़ेगा, जब आप मुजफ्फरपुर से आओगे तो टोल से पहले पड़ेगा, अपोजिट आपको लेना होगा डायरेक्शन से। फिलहाल अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, काफ़ी दिनों के बाद आए हैं, बहुत दिनों से इनवाइट था हमारा। चलिए मम्मी बैग निकालना है, निकाल लीजिए, आ जाइए। आप यहीं से हो गए? नहीं एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ, पर मेरी शादी हो गई भगवानपुर में। अच्छा अच्छा, तो मैं आपको और थैंक यू, बहुत लेके खोलना प्रीति हो, आप दोनों बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, सीरियसली। अरे ये है हमारा देसी मसाला फैमिली रेस्टोरेंट, ये फर्स्ट टाइम आया हम लोग, बहुत दिनों के बाद आए हैं क्योंकि बहुत दिनों से हमें इनवाइट मिल रहा था। ये हमारे रिलेटिव का ही है, तो खेलेगा बेटा क्या मम्बू? तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी सराय, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग जाने वाले हैं एक रेस्टोरेंट में। फिलहाल अभी मिलाने वाले हैं आपको भैया से, और ये हमारे फैमिली मेम्बर से रिलेटिव है, तो आप इनसे मिलाते हैं, बाकी आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और आप लोग भी अगर लोकल हो तो यहाँ पे आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, एंड बहुत ही प्यारा व्यवस्था है, बहुत ही सुंदर सा व्यवस्था किया गया है। फाइनली ये रहा देसी मसाला फैमिली रेस्टोरेंट, जिनके ऑनर है हमारे ब्रजेश भैया, और थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमें यहाँ बुलाया। तो मतलब बताना चाहेंगे कि ये कहाँ पे है और सब कुछ प्रॉपर ये के बारे में? बेसिकली पटेरा गांव में है, सराय के पास, टोल टैक्स के पास। हाँ जी,
एक्चुअली मैं बता दूं कि आपको अगर आप हाजीपुर से आ रहे हो तो टोल के बाद आना पड़ेगा आपको। अगर आप मुजफ्फरपुर से आ रहे हो तो आप टोल के पहले आपको राइट साइड में ये मिल जाएगा, आपको यू टर्न लेके आपको आना पड़ेगा। तो ये रहा देसी मसाला रेस्टोरेंट, इसके आप छोटा सा आपको हम टूर कराने वाले हैं कि कैसा है ये रेस्टोरेंट। अगर आप भी चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ पे क्या क्या मिलेगा बाकी सब कुछ भैया बताएंगे। सबसे पहले आप मटन हांडी। हाँ जी, सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे यहाँ मटन हांडी, जो बहुत ही फेमस है हमारे बिहार में, खासकर ये चंपारण से इसका उत्पत्ति हुआ है ना, चंपारण से, और आजकल पूरे बिहार या पूरे इंडिया में ये फैल चुका है, सभी जगह आपको मिल जाता है। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप हांडी का व्यवस्था किया गया है, बाहर काउंटर लगी हुई है। इसके बाद आपको बाहर बहुत ही सुंदर प्यारा सा झरना मिल जाता है, जो बहुत ही सुंदर सा व्यू दे रहा है रात के लिए, बहुत ही प्यारा व्यू दे रहा है। तो आगे बढ़ते हैं भैया, चलिए आगे। बहुत ही सुंदर सा गार्डन है आगे, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। हम लोग भी आए हैं तो बाबू भी देख के बहुत खुश हो रहा था इसको देख के। और जैसे आप एंट्री करते हो ना, एक बहुत ही सुंदर सा हॉल मिलता है, बहुत ही प्यारा। आज बर्थडे वगैरह भी सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हो बर्थडे का डेकोरेशन किया गया है। मतलब आप बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, जो भी पार्टी है, छोटी मोटी पार्टी, आप यहाँ पे मतलब पार्टी वगैरह, शादी वगैरह सब कुछ होता है क्या यहाँ पे? सब कुछ, तो बर्थडे पार्टी बेसिकली सब कुछ। हाँ, एनिवर्सरी पार्टी, बर्थडे पार्टी, मतलब छोटी पार्टी आप लोग करवा रहे हो वहाँ पे। हम लोग वेट कर रहे हैं टेबल पे, और अभी शिवांश को लगी थी बुखार, बट अभी बुखार इसकी काफ़ी अच्छी है। बुखार ठीक है ना? बुखार कैसा है, कम है ना? बुखार अभी ठीक है इसका, बुखार तो है इसका। जो हमारे साथ जो दो चेहरे बैठे हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर है, यूट्यूब पे भी अच्छा खासा सब्सक्राइबर है, और फेसबुक पे भी, पेज पे भी बहुत ही अच्छा फॉलोअर है। रुद्र पूजा नाम से इनका ब्लॉग चलता है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्लॉग बनाते हैं, फैमिली ब्लॉग बनाते हैं, ट्रेवलिंग ब्लॉग बनाते हैं। तो अभी हम इनसे कुछ बातें करेंगे और आप लोग के बीच में एक एक करके साझा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले हम आपके माध्यम से जी आपके तमाम चाहने वाले हुआ ना, आपको स्वागत करते हैं आपके चैनल पे, नमस्कार करते हैं। एंड ब्लॉगिंग करने का कब से स्टार्टिंग किया आपने? ये ब्लॉगिंग जो है ना, सबसे पहले स्टार्टिंग हमारा टिकटॉक से हुआ था जी। जो सबसे पहले मेन जड़ होता है वो टिकटॉक ने हमें दिया था, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, पहचान दिया प्लेटफॉर्म, मतलब टिकटॉक के जाने के बाद। फेसबुक तो बाद में आए, बहुत लोगों ने बोला कि वहाँ पे आप जिनको जिस फील्ड में पहचान है, मतलब अपना नॉलेज है, वो उस फील्ड में आप वीडियो बना के डाल सकते हो, ब्लॉगिंग हो, ट्रैवलिंग हो, फूड हो, मतलब जो फैशन हो, जो चीज़ आप कर रहे हो उसका वीडियो बना के प्रॉपर डाल सकते हो। सारे ऑडियंस यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो आपको देखेंगे, प्यार देंगे, पर शॉर्ट शॉर्ट रखना होगा, टाइम देना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। मतलब आप घबरा गए कि दो महीना, तीन महीने, छः महीने में व्यू नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, कैसे होगा, तब तो मुझ पर मतलब सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मतलब ये चीज़ ये पूछना चाह रहे थे कि ब्लॉगिंग की दुनिया में आए, उससे पहले आपकी शादी हुई थी या उसके बाद? नहीं, शादी हमारी पहले हुई थी, और ब्लॉगिंग वगैरह यूट्यूब सब कुछ शादी के बाद ही। तो बहुत ही असली टाइप की ब्लॉगिंग वीडियो बनाते हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखिए, उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते, सबका अपना एक थॉट है, सब लोग इस पे जी रहे हैं जिसके जैसे सोच है, बट हाँ, जिनका मतलब इस पर समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। हाँ। मतलब मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब पे, खासकर फेसबुक पे, कभी कभी स्क्रॉल करो तो वीडियो आ जाता है जो हम देख नहीं पाते हैं। तो वैसे वीडियो हम चाहेंगे कि ज़्यादा जिस पे गंदगी फैल रही है, उसके लिए यूट्यूब को, फेसबुक को, चाहे जो भी प्लेटफॉर्म है, उसको कुछ कदम उठाना चाहिए कि जो अश्लीलता है उसको कम से कम किया जाए। नमस्कार, मैं हूँ आनंद कुमार सिंह और आप मेरे साथ भगवान कुनाव पे जुड़े हुए हैं। और अभी हमारे बीच जो चेहरे हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और ब्लॉग की दुनिया में, यूट्यूब और फेसबुक की दुनिया में इन्होंने धमाल मचा के रखा है लगातार, जो है वो आप फैमिली ब्लॉग यहाँ पर देख सकते हैं। आजकल बहुत सारे क्रिएटर आते हैं, वो न्यूज़ की दुनिया में जा रहे हैं, सबको लगता है कि न्यूज़ ही बनाते हैं, भगवान के लिए, भगवान को नाव के लिए। एंड जो क्वेश्चन था भैया आपका कि कैसे इस फील्ड में है, तो ये एक सब एकदम मेडिसिन फील्ड में थे अचानक, ये हम लोगों का जो जान पहचान था ना, ये मेडिसिन लाइन से था, बट ये संजोग था जो हमें यहाँ पे लाया। इसके बाद से वहाँ हर सक्सेस इंसान के पीछे पत्नी का हाथ होता है, ये तो ये मानना होता है, ये तो भाई गुड लक है हमारा, तो मैं खुद तो होगा नहीं, चला गया। फिर लोगों ने सजेस्ट किया कि भैया आप ब्लॉग बनाना चालू करो यूट्यूब पे। उस समय ब्लॉग का मतलब समझ मुझे खुद पता नहीं था कि ब्लॉग होता है, बहुत अच्छा है। कहीं भी जाओ तो दो लोग तो जब बोलते हैं कि आप ब्लॉग हो, तो बहुत अच्छा फील होता है, सुकून सा फील होता है कि हाँ भाई कुछ लोग हैं ऐसे भी जो हमें जानते हैं, प्यार करते हैं। मतलब मैं जहाँ जहाँ भी गया इंडिया के कोने कोने में, तो वहाँ कुछ ना कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कि भाई आपको, तो बहुत अच्छा लगता है। क्या संदेश रहेगा? देखिए, नए क्रिएटर के लिए यही संदेश रहेगा कि आप सबसे पहले आपको क्या करना है वो आप चूज कर लो, यूट्यूब पे कौन से फील्ड में आपको जाना है, और जिस फील्ड में जाना है आपको प्रॉपर उसमें मेहनत करना है। जैसे मोबाइल हम लोग यूज करते हैं ना, तो रात्रि में डांट बहुत लगती है, मोबाइल बंद कर दिए, मोबाइल आपको बंद कर देना, ये क्या फालतू काम करते रहते हैं, कोई सक्सेस नहीं, मतलब नहीं, काम धंधा पर ध्यान नहीं होता कि मेडिसिन की दुकान पर ध्यान दीजिए, कहीं ब्लॉगिंग लगे,
सर कुछ शुरू में नहीं है, शुरू में ऐसा नहीं था कि ये क्या फालतू के काम है, शादी ब्याह कर लिए हैं, मेडिसिन के दुकान पर ध्यान दी नहीं रोका कि हाँ आप ब्लॉगिंग मत करो या आप क्या दिन भर को जो नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। कैसा लगा जब मतलब जब ये स्टार्टिंग कर रहे थे आप शुरुआत में नर्वस? मैंने शादी से पहले ही इनका टिकटॉक वीडियोस देखा था तो मैंने मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ इनको रोकना चाहिए कि आप वीडियोस मत बताओ। रोशन जी लव मैरिज मैरिज नहीं था अरेंज ही था बट हाँ वो पहले मैं शादी से पहले मैंने इनको देख के तय कर लिया था कि इनकी शादी करना है। देखिए माही मनीषा आपकी कई सारी फ्रेंड है सब मतलब गुड लक जो है वो पत्नी का सबके साथ है। ये फूड ब्लॉग्स हैं बहुत तरह का ट्रेडिंग वगैरह का कुछ बनाना चाहते हैं उनका सीधा ध्यान अर्निंग पे चला जाता है। आप कितना अर्न कर लेते हैं आपकी सच बताइए। देखिए एक अप्रॉक्स फिक्स नहीं होता है यूट्यूब का आपको पता होगा ये वीडियो के अकॉर्डिंग है कितना वीडियो आप डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग निर्भर करता है बट एक आइडिया आप ले सकते हो कि मतलब ये मैं मिनिमम मतलब या मैक्सिमम मतलब बीच का कितना एकदम मैक्सिमम बताइए ताकि लोगों को लगे कि हाँ एनर्जी आज इतना कि हम लोग मतलब अपना घर चला सकते हैं खा भी मतलब एक मैक्सिमम अर्निंग इतना था कि हम एक अच्छी खासी कार ले सकते हैं मतलब जो मैंने अर्निंग की है तो हमेशा ईगो में नहीं है मतलब जो जैसे हैं उनसे मिलते वैसे ट्रीट करते हैं। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है और हम कोशिश न करें ये तो गलत बात है। सफलता आपको तभी मिलती है जब आप कोशिश करते हैं और ये सफलता पाने के बाद शायद उस व्यक्ति को हम रुद्र और पूजा कहते हैं। हमारे साथ दो ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है हर कोई इनको जानता है। स्टोरी कैसे शुरू हुई यूट्यूब पर आना ये कब शुरू हुआ और किस दोस्त के साथ में शुरू किया था छोड़ दिया था कि कुछ करना भी है हाँ ऐसे बनाओ आप घर के बारे में बताओ ब्लॉगिंग का करियर था हमारे साथ पॉसिबल नहीं हुआ। मैम आपने आप भी ब्लॉगिंग में काफ़ी इंटरेस्टेड दिखते हैं तो क्या आप शुरू से इंटरेस्टेड थे इसमें कि आपने रुद्र जी को देखकर इंटरेस्ट आया आपने? नहीं मतलब स्टार्टिंग से मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी वीडियोज बनाऊंगी तो इनसे ही इंस्पायर हुई हूँ मैं भी वीडियोज बनाने में। तो आप देखते होंगे वीडियो में कौन सा ऐसा कंटेंट बनाए जो जल्दी वायरल करे ट्रैवल ब्लॉग बनाए या फिर फूड ब्लॉग बनाए किस तरह ब्लॉग बनाए? एक्चुअली जो भी लोग शुरुआत करते हैं ना यूट्यूब पे हर एक दिन मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में अकाउंट बनता है चैनल बनता है बट लोग ये भूल जाते हैं लोग पैसे के पीछे पागल हो जाते हैं कि ये आप अगर न्यूज़ बना रहे हो तो इनका व्यूज आ रहा है तो हमें न्यूज़ बनाना चाहिए बट वो अपना इंटरेस्ट को भूल जाते हैं कि हमें किस फील्ड में इंटरेस्ट है। तो एक्चुअली मेन पर्पस वहीं से गड़बड़ हो जाता है। अगर आपको इंटरेस्ट न्यूज़ में है तो आप न्यूज़ करो, आपको ब्लॉगिंग में है तो ब्लॉगिंग करो, फूड बनाने में है तो फूड बनाओ, ट्रैवल में है ट्रैवल, मतलब जो आपका मेनली पर्पस है जिसमें आपको मन जिसपे इंटरेस्ट हो ट्रैवल में तो जो मन आ रहा है वो बना रहा है और लोगों का व्यू जा रहा है लोग देख रहे हैं। यहाँ पे ऑडियंस की कमी नहीं है, गांव का भी ब्लॉग चलता है, शहर का भी चलता है, बाहर का बिजनेस का भी चलता है, जो जैसा बना रहे चल रहा है। तो मेनली अपना जो आपका शौक हो ना उसको ध्यान में रखकर आप कोई भी मतलब चूज कर सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टैग्स एंड कीवर्ड्स, किस तरह का टैग डालना चाहिए और कीवर्ड्स का क्या रोल होता है? एक्चुअली अब यूट्यूब ने तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है कि आप सर्च कर सकते हो कि आपको किस नाम से ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, कौन सा टैग लगाना चाहिए। तो यूट्यूब ने अब जैसे जैसे अपने आपको अपडेट करके इसको बहुत ईजी कर दिया है। जैसे अभी आप यूट्यूब स्टूडियो खोलोगे तो वहाँ दिख जाता है कि हाँ किस नाम से लोग सर्च कर रहे हैं, रुद्रा पूजा या पूजा रुद्रा बिहार यूट कवर, मतलब जो भी टैग से कुछ लोग सर्च कर नहीं जाता है तो वीडियो धीरे डेड हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो वायरल भी हो जाती है वो अलग चीज़ होती है। इस तरह से हमारे पास आए हैं समय निकाल कर उसके लिए बहुत आभारी है। लेकिन एक लास्ट बात हम पूछना चाहेंगे हमारे जो युवा देख रहे हैं हाँ जी उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे जो संदेश यही हुआ कि मतलब कैरियर आप यूट्यूब पे फेसबुक पे बहुत लोगों को ये लगता है मतलब जो भी घर के पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, ये लगता है कि यहाँ पे लोग टाइम पास कर रहे हैं, कोई किसी को लगता है कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, पे ही आओ फेसबुक पे ही आओ, मतलब आपका जिस फील्ड में मन लगता है उस पर आप काम कर सकते हैं। कि आपके बच्चे मतलब जो भी करना चाहते हैं उनको करने देना चाहिए तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो स्पेशली बच्चे तो पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं क्योंकि हमारे भी पेरेंट्स सपोर्ट किए हैं हमें तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तो पेरेंट्स के बिना कुछ नहीं होता। तो देखा आपने किस तरह से हमें रुद्र जी ने और पूजा जी ने इतनी इम्पोर्टेंट टिप्स दिए, शायद आपको काफ़ी लाभ इससे मिलेगा। और मैं बता दूं कि रुद्र जी के यूट्यूब पर इनके यूट्यूब चैनल पर लगभग 6 लाख फॉलोअर्स है जो आम बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है। और फेसबुक पर भी काफ़ी
अच्छी संख्या में फॉलोअर्स है। ठीक है, इस खाने की बारी है। फिलहाल ये देख सकते हैं मम्मी, पूजा, भाई और ये हमारे चार जिगरी दोस्त, सभी लोग बैठ चुके हैं और अब खाने की बारी है। तो ये रहा हमारा देसी मसाला रेस्टोरेंट एंड यहाँ पे आज एक बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है। तो आपको बता दूँ कि आप लोग यहाँ आ सकते हो, जो भी आपको लगे रिव्यू दे सकते हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अभी थोड़ी बहुत कमियाँ हैं जो हमें अब जाते हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फूड। तो अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं एंड इसका जिन्हों रिव्यू जो होगा हम आपको बताने वाले हैं कि क्या है। फिलहाल टोटल 7-8 लोग पूरे पलटे हैं ना, सभी लोग मस्ती से खाना खाएंगे और जिन्हों रिव्यू देते हुए आपको सपोर्ट बताते हुए यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, सो खाना पीना हो चुका है और अभी बारी है मसाला कोल्ड ड्रिंक्स। मुझे लग रहा है मसाला कोल्ड ड्रिंक्स हम पहली बार ट्राई करने वाले हैं भाई। मसाला कोल्ड ड्रिंक्स लग रहा है पहली बार हम ट्राई करेंगे भाई। हाँ, तो कहना क्या चाहता है रे? ठीक है, तो अब यहाँ से निकलने की बारी है। ठीक है, तो निकलने की बारी है। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं सभी से। ठीक है सर, मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी। वो कहाँ गया भैया? ठीक है, ठीक है, आइएगा फिर, जरूर जरूर आएंगे। चलो तो लेकिन वहाँ नहीं था। ठीक है, ठीक है, निकलने की बारी। ठीक है, निकलने की बारी है। यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं और चलो चलते हैं। अभी ये रहा हमारा देखिए मसाला। और हमारे मित्र हैं रोशन जी। फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, सभी लोग से विदा लेके। चलो 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 चलो, ठीक है भाई, निकलते हैं सभी लोगों से। बाय बाय। जरूर फिर मिलते हैं, विदाई नहीं ले रहे हैं, फिर मिलते हैं जल्दी। आइए लालगंज आइए, उद्घाटन है दुकान का, तो सभी लोग आइए, सभी लोगों को एक दो वो कहाँ गए भैया, तीन लोग।